फर्श पर कई रहस्यमय और डरावनी मनुष्यों के चेहरों की आकृतियां उभर रही थी और गायब हो रही थी। बाकी किसी ने तो नहीं, लेकिन बूढ़ी फिल्मेना ने उस समय साहस दिखाया और बच्चों को दूर हटाकर वाइपर उठा लिया और फर्श को साफ करने लगी। आश्चर्य, इसके बाद प्रकट होने वाले चेहरों के आकृतियों की आंखें चौड़ी होने लगी और उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कान उभरने लगी जो अच्छे अच्छों के छक्के छोड़ा दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहस्यमय के YouTube चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आप पा सकते हैं हमारे वीडियोस को सबसे तेज और सबसे पहले। कार्डोबा, स्पेन के परेरा परिवार में उस समय चीख पुकार मच गई जब उनके रसोई घर के फर्श पर रहस्यमय और डरावनी आकृतियाँ उभरने लगी। परेरा परिवार समृद्ध परिवार था, आय का मुख्य साधन लंबी चौड़ी खेतीबाड़ी थी, लेकिन 23 अगस्त 1971 की उस गर्म दोपहर को स्पेन के एंडलुसिया प्रांत के कार्डोबा क्षेत्र के बेलमेज गांव में कुछ अजीब ही हुआ। सबसे पहले इसे भोजन तैयार कर रही बूढ़ी महिला फिल्मेना की बड़ी पोती ने देखा। उस बच्ची की माँ भी वहीं थी। दादी ने बच्चों को डांटा, क्या शोर मचा रहे हो। बच्चे फर्श के जिस हिस्से में बैठे थे उसको छोड़कर हटने लगे। फिर उस वृद्धा ने रसोई घर के गुलाबी फर्श पर जो कुछ देखा वो उसे वह अगले जन्म तक याद रखने वाली थी। जबान खुश्क होकर तालू से चिपक चुकी थी और गले से केवल एक घुटी हुई चीख निकलने की कोशिश कर रही थी, उसे भी दिल और दिमाग ने रोक रखा था। फर्श पर कई रहस्यमय और डरावनी मनुष्यों के चेहरों की आकृतियाँ उभर रही थी और गायब हो रही थी। बाकी किसी ने तो नहीं, लेकिन बूढ़ी फिल्मेना ने उस समय साहस दिखाया और बच्चों को दूर हटाकर वाइपर उठा लिया और फर्श को साफ करने लगी। आश्चर्य, इसके बाद प्रकट होने वाले चेहरों के आकृतियों की आंखें चौड़ी होने लगी और उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कान उभरने लगी जो अच्छे अच्छों के छक्के छोड़ा दे। पूरा परिवार रसोई घर से ऐसे भागा मानो ये उनकी जिंदगी बचाने का उनके पास आखिरी मौका हो। ये पूरी घटना बेलमेज के चेहरे या बेलमेज फेसेस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी और तब से केवल उन डरावने चेहरों को देखने के लिए बहुत सारे सैलानी जा चुके हैं वहाँ। कुछ परामनोवैज्ञानिक इसे 20वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक परामनोवैज्ञानिक घटना मानते हैं। घर के मालिक जुआन परेरा और उनके बेटे मिगवेल ने इसकी जानकारी वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने पुलिस के साथ जांच पड़ताल शुरू की। चूंकि फर्श कंक्रीट का बना हुआ था इसलिए ज़्यादा कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने जुआन को निर्देश दिया कि अपने रसोई घर का फर्श उखाड़कर नया फर्श बनवाइए। जुआन ने ऐसा ही किया। पुराना फर्श उखाड़ा जा चुका था और नया फर्श जुआन ने अपनी देख रेख में ही बनवाया, लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि नए फर्श पर भी डरावने चेहरों की आकृतियां उभरने लगी। इस बार कई नए चेहरे दिखे और पिछली बार की तुलना में अधिक स्पष्ट थे वे चेहरे। जुआन परेरा और उसके परिवार ने फिर से अधिकारियों को बुलाया और पूरी घटना को होते हुए दिखाया। अब तक पूरे गांव के लोग आतंकित हो चुके थे, वो इसे कोई दैवी कोप मान रहे थे। अधिकारियों ने वो पूरा इलाका खुदवाने का निर्णय लिया। उस क्षेत्र को खाली करवा लिया गया। खुदाई करवाने पर उस क्षेत्र की जमीन में थोड़ी गहराई पर बड़े पैमाने पर इंसानी कब्रें मिली, जो कि शोध करने पर पता चला कि मध्यकाल की थी। ऐसा अनुमान लगाया गया कि वह स्थान मध्यकालीन सभ्यता के समय कब्रिस्तान रहा होगा। एक बार फिर से तीसरी बार नया फर्श लगवाया गया, मगर फिर से वही डरावने चेहरे, गहरी उदासी लिए हुए जुआन परेरा व उसके परिवार की रातों की नींद उड़ाए जा रहे थे। अब तो स्त्री और पुरुष की आकृतियां भी स्पष्ट हो रही थी। इस घटना को वहां के स्थानीय समाचार पत्रों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से जगह दी और जुआन परेरा
और उसकी पत्नी मारिया का घर सैलानियों के लिए ला कासा डी लास कैरस, या अंग्रेजी में कहें तो द हाउस ऑफ फेसेस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगले एक साल में सैकड़ों लोग उस डरावने चेहरों वाले घर को देखने आए। लगभग 30 सालों तक यानी 2002 तक परेरा परिवार ने दावा किया कि उनके घर में विभिन्न स्त्री पुरुषों की अलग अलग आकार में अलग अलग भाव लिए चेहरों की आकृतियां फर्श पर बनती रहीं। उसके बाद मकान के उस हिस्से को सील बंद करके वहां पर शोध कार्य शुरू कर दिए गए। कुछ शोधकर्ताओं ने अति संवेदनशील ध्वनि मापक यंत्रों से भी निम्न और अति निम्न फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उन्हें उस क्षेत्र में विचित्र तरह की आवाजें, कराहें और कुछ अज्ञात भाषा में बातचीत के स्वर सुनाई दिए। हालांकि शोधकर्ताओं के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये पूरी घटना अभी भी एक विचित्र पहेली की तरह अनसुलझी हुई है। वहां जाने पर आज भी कुछ अनजान मुखाकृतियां दिखाई दे सकती हैं, अपने चेहरों पर अनंत की गहराइयों को छूती हुई उदासी और विषाद लिए हुए।